SRM टुडे, शहर की आवाज। जिस जगह पर स्वच्छता का मतलब बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, उसी जगह पर गंदगी का ढेर पसरा हुआ है। ये हालत मंसूर के कन्या विद्यालय के हैं, जहां पर परिसर में गंदगी और कचरे का ढेर नजर आया। विद्यालय की कक्षाओं में भी इतनी धूल नजर आई कि ऐसा लग रहा था मानो सालों से कक्षाओं में सफाई ही नहीं हुई हो। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन जहां पर स्कूली बच्चों को स्वच्छता का मतलब सिखाया जाना चाहिए, वहीं पर गंदगी का ढेर पसरा हुआ है। जिस परिसर में गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, ये ढेर किसी और जगह नहीं बल्कि शहर की महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का परिसर है, जहाँ पर परिसर में गंदगी पसरी हुई है। ये तो बुरा था, लेकिन हालात तो तब सामने आए जब इतने बड़े विद्यालय परिसर में कक्षाओं के अंदर भी गंदगी पसरी हुई थी, तो किसी और जगह पर सफाई की उम्मीद शायद ही की जा सकती है। इस विद्यालय की हर एक कक्षा में बेंचों के नीचे जो धूल थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो सालों से यहाँ पर किसी ने सफाई ही नहीं की है। कक्षाओं में चारों तरफ कागज के टुकड़े और धूल नजर आई, और स्कूली छात्राएं भी इस गंदगी में पढ़ने के लिए मजबूर होती हुई दिखी। स्कूल प्रशासन इतना भी सक्षम नहीं है कि वह विद्यालय में सफाई करवा सके। विद्यालय के प्राचार्य ने यह कहकर हाथ खड़े कर लिए कि विद्यालय में सफाई कर्मियों की कमी है। अब इसके आगे तो कोई क्या कहे, क्योंकि जब एक शासकीय विद्यालय में स्वच्छता नहीं है तो निजी विद्यालयों की बात कुछ और ही होगी। विद्यालय की छात्राओं का कहना है कि इस गंदगी में पढ़ने के लिए वे मजबूर है। कई बार तो छात्राएं भी स्कूल में नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर गंदगी रहती है। इस गंदगी में मच्छर पनपते हैं, जिससे छात्राओं को गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है, और इसी डर के कारण छात्राओं की अनुपस्थिति ज्यादातर रहती है। दो चार दिन में इकट्ठा हो गया, ले जाते वहाँ लेते सर, कौन सा स्कूल है, स्वच्छता को लेकर क्या अभियान चलाया जाता है स्कूल के अंदर? जी सर, स्वच्छता अभियान को लेकर क्या स्कूल में अभियान चलाया जाता है आपके यहाँ? स्वच्छता अभियान जो सरकार चल रहा है, स्वच्छता सफाई पे विशेष ध्यान रखना चाहता है, रखा जाना है। हाँ, तो छात्रों को इसके हिदायत दी जाती है कि स्वच्छता मतलब अपने शरीर के प्रति और अपने घर में वातावरण के प्रति स्वच्छता सतर्क रहें, जैसे मौसमी बीमारी से दूर रहें हम जी। और अभी बरसाती मौसम है, जैसे मच्छर और जो पनपते तो उससे मच्छर से बचने का उपाय बताते हैं। आपके स्कूल में कितनी सफाई है? हमारे स्कूल में भी सफाई नियमित होती है सर। अभी हमारा सर सालों में गंदगी है, हमारे अभी अभी स्टाफ सफाई कर्मी यहाँ पर काम है सर, और विद्यालय बड़ा है, बड़ा विद्यालय होने के नाते अभी सफाई उसमें नियमित होती है, लेकिन कुछ भी क्योंकि टेबलें सब अभी सर जो टेबलें सप्लाई की है वो वहाँ से सप्लाई हुई डुल डेस्क जो कि चार चार छात्र बैठने कैपेसिटी और बड़ी साइज़ के होने की वजह से वो किसी में इसकी टेबल को नहीं उठाए हुए उसके नीचे कुछ कचरा हो सकता है, लेकिन सफाई नियमित होती है और यहाँ पे सफाई कर्मी की कमी है जिसको हमें वरिष्ठ कार्यालय को बताया गया, लेकिन फिर भी वो भी इस कमी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ तीन कर्मचारी सफाई जो करते थे उनको कलेक्ट्रेट में लगे हुए, एक डीओ कार्यालय में लगा हुआ, तो इसलिए सफाई नहीं हो पाती क्या? इसलिए हमारे तो कमरे यहाँ पे 25 कमरे हैं सर, 25 कमरे तो सभी कमरों में प्रतिदिन हो सकते कि नहीं हुई हो, लेकिन सफाई होती सर। काफी बच्चे तो यहाँ पर अपसेट दिख रहे हैं सामने, इनकी गंदगी इतनी थी कि मच्छर काट रहे, बीमार है बच्चे घर पर है। नहीं ना, ऐसा ही बात नहीं सर, आज तो कल
कल राखी त्यौहार ना, कल ही बहुत सारे बच्चे छुट्टी लेके गए हैं, आज तो राखी की वजह से कहा है कि राखी की वजह से बीमार हो चुके हैं, कई बेहोश हो जाते हैं यहाँ पर बच्चे। नहीं नहीं, वो उस वजह से नहीं, वो तो राखी की वजह से छुट्टी है। तो स्वच्छता अभियान मतलब चल ही रहा है, मतलब नहीं, स्वच्छता अभियान चल रहा है बिल्कुल, और वो भी नगर पालिका लिखा है मैंने, वो कौन सा दवाई छिड़कने वाले। कितने दिन से स्कूल में सफाई नहीं हुई है सर आपके? नहीं, सफाई तो प्रतिदिन होती है, पर जो जो जैसे, क्योंकि उतने में कमरे आने में प्रतिदिन चार चार कमरे रोज साफ करते हैं। हर क्लास में गंदगी है सर? हाँ, हर क्लास में गंदगी देखी है। अभी देखता हूँ सर, मैं दिखाता हूँ, और अभी सफाई करवाते हैं सर। क्या दोषी को कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने सफाई नहीं करी है? हाँ करेंगे, वो तो कार्रवाई तो करेंगे। क्या कार्रवाई? जिसने सफाई नहीं करी उनका वेतन रोका जाएगा। कितने इनका वेतन रोका जाएगा? जिस दिन अगर उनके निर्धारित तो कक्ष दे रखा और उसने सफाई नहीं की तो उसका वेतन। बच्चों का भी कहना है, टीचरों का भी कहना है कि क्लास में कोई सफाई करने पीयून नहीं आता। नहीं, सफाई तो होती है सर, पर वो कमरे ज़्यादा होने की वजह से वो सफाई नहीं होती, सफाई होती है। ये कहना है यहाँ पे बहुत गंदगी होती है, झाड़ू नहीं लगता है रोज। क्या क्या परेशानी आती है यहाँ पर? बदबू आती है। बीमारी होती है बच्चों को? होती है। क्या होता है बीमारी? सिर दुखता है। मनीषा क्या कहना है बेटा, कौन से स्कूल में आप पढ़ाई करते हो और क्या कहना है यहाँ पर, क्या परेशानी है आपको? हम नाइन्थ ए में है, यहाँ पर गंदगी होती है, मच्छर काटते हैं, बीमारियाँ होती है गंदगी के कारण, सर्दी खांसी सर्दी। क्या कुछ बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ आने के कारण वो बीमार हो गए गंदगी के कारण, तो फिर इसलिए नहीं आए। हाँ, क्या कहना है गंदगी के बारे में? सर यहाँ पे सही से झाड़ू लगाते हैं और यहाँ पे गंदा पड़ा रहता है, तो यहाँ काफ़ी बच्चे बीमार होते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, ये परेशान। या क्या कहना है, आपकी जो कुछ फ्रेंड है यहाँ पर हाई स्कूल नहीं आई है, किन बातों को लगे स्कूल नहीं आई? यहाँ पे मच्छर काटते हैं, यहाँ गंदगी ज़्यादा ही होती है, इसलिए आधी लड़की आती है, एबसेंट रहती है लड़की, आधी आप आती है, आधी नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ पे मच्छर काटते हैं, गंदगी ज़्यादा रहती है। अब क्या चाहते हो आप लोग, यहाँ पे सफाई हो जाए? मैं महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल से हूँ और मेरी क्लास में बहुत गंदगी है, सफाई नहीं होती है जी। तो सबसे निवेदन है कि हमारी क्लास सफाई करवाए। क्या लगता है प्रधानमंत्री जो अभियान चला रहा है वो क्या लगता है इसमें? उनको सफाई करवाना चाहिए यहाँ पे। कितनी गंदगी वगैरह दिक्कत आती होगी आपको? हाँ, बहुत गंदगी हो रही है, डस्ट ज़्यादा है। मैं 12th में पढ़ती हूँ, बहुत गंदगी है, हमने बहुत सारे जाके भी बोला, प्रिंसिपल को भी शिकायत भी की, और सब लड़कियाँ आज बाहर भी खड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी हमारे वहाँ ये साफ़ सफाई नहीं हुई। बाहर क्यों खड़ी हो गई थी? क्योंकि हमने पहले बोला साफ सफाई, सर ने बोला सभी बाहर ही खड़ी रह जाना, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं हुई तो बाहर ही रहना, तो हम बाहर रहे, फिर भी बोले कि कोई आ रहा नहीं, अंदर चले जाओ, तो हम अंदर चले गए थे। क्या चाहते हो, सफाई होना चाहिए? हाँ, 9th class में हूँ, यहाँ पे सफाई नहीं होती है रोज जी। क्या कितनी गंदगी है यहाँ पर? बहुत गंदगी है। स्कूल का गर्ल्स हायर सेकेंडरी मंदसौर है जी, और इंग्लिश का लेक्चर चल रहा है जी। क्या सिखाया जा रहा है बच्चों को सर यहाँ पर? इंग्लिश में लेसन और उसकी ग्रामर जी। क्या स्वच्छता को लेकर भी कुछ सिखाया जा रहा है यहाँ पर? स्वच्छता अभियान के लिए भी बच्चों को समय समय पर बराबर इसके लिए बताया भी जाता है, बच्चे इसके प्रति मतलब केयर भी करते हैं। क्या गाइड किस तरीके से किया जाता बच्चों को यहाँ पर? कचरा नहीं फैलाना है, अगर जी कहीं ऐसा कचरा हो तो प्यून को बुला करके ला करके उसको सफाई कराना है जी। आपके सामने जहाँ पढ़ा रहे हैं सर, बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं, वहीं पर देखिए आप इतनी गंदगी हो रही है। अब थोड़ा आज साफ नहीं हुआ होगा, बाकी वैसे तो एक दिन में इतना कचरा हो जाता है सर, इतनी गंदगी के अंदर बच्चे मजबूर है पढ़ने के लिए, क्या लगता है आपको? ऐसा तो नहीं है, रेगुलर सफाई तो होती है, कभी हो सकता है आज प्यून कहीं व्यस्त रहे होंगे इसलिए नहीं हो पाई। तो आपको लग रहा है गंदगी क्लास के अंदर काफी? ऐसा कुछ ज्यादा तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।